हाय, मैं हूं शुचि नागपाल और एक बार फिर हम साइबर कानून की तरफ बढ़ने वाले हैं। अब आज का जो सवाल है वह साइबर से इतना रिलेटेड तो नहीं है, वह सबकी जानकारी के लिए ज़रूरी है। तो आज का सवाल क्या है, ये जमानत क्या होती है? जमानत होती है किसी अपराध के आरोपी को एक सक्षम न्यायालय द्वारा दी गई कुछ समय की रिहाई। आज हम देखेंगे कि जब जमानत दी जाती है तो किस किन कारणों से दी जाती है, उस पर किस तरह की शर्तें लगाई जाती हैं और क्या जमानत को रद्द किया जा सकता है बाद में। जमानत एक और ऐसा विषय है जिसका उल्लेख भारतीय दंड संहिता यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में किया गया है। तो किन केसेस में जमानत दी जा सकती है? अगर जमानती अपराध है तो फिर गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को बेल देना जरूरी माना जाता है, बेल यानी जमानत। अगर गैर जमानती अपराध है तो फिर जमानत देनी है या नहीं देनी है यह निश्चय निर्णय कोर्ट की समझ पर छोड़ दिया जाता है। केसेस में जब जमानत दी जाती है, जो अपराधी है या जो आरोपी है उसको किसी तरह का जुर्माना भरना पड़ता है या कुछ पैसे न्यायालय के पास देने पड़ते हैं। अब ये पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, इस पर दो शर्तें हैं। शर्तें ये हैं कि अगर आप को न्यायालय ने बुलाया और आप वापस न्यायालय के सामने हाजिर नहीं हुए तो ये पैसे जब्त हो जाएंगे, यह एक शर्त है। दूसरी शर्त है कि आपको अब जब सोसाइटी में छोड़ा जा रहा है, कुछ दिनों की रिहाई दी जा रही है, तो आप अब बाहर जाकर गलत काम या कोई और अपराध नहीं करेंगे, इसलिए जमानत के लिए न्यायालय पैसे रख लेता है। तो अब हम जमानत के प्रकार समझते हैं। एक है नियमित जमानत, ये ऐसे व्यक्ति को दी जा सकती है जिसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है और वह पुलिस हिरासत में है। वहां से वह कोर्ट को याचिका दायर कर सकता है कि उसे जमानत दी जाए। फिर होती है अंतरिम जमानत, नियमित जमानत या अग्रिम जमानत की सुनवाई से पहले आरोपी को दी जा सकती है, कुछ ही समय की होती है पर इसे कहते हैं अंतरिम जमानत। और तीसरी है अग्रिम जमानत, ये किसी की गिरफ्तारी से पहले कोर्ट द्वारा दी जा सकती है। और लाजमी है कि एक बार अगर अग्रिम जमानत दी गई है तो उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पर अग्रिम जमानत पर कुछ शर्तें हैं। आइए समझते हैं कि अग्रिम जमानत देने से पहले कोर्ट किन चीजों का ख्याल करता है। तो अग्रिम जमानत की पहली शर्त है कि जब वह व्यक्ति को पूछताछ के लिए पुलिस बुलाएगी उस व्यक्ति को अपने आप को हाजिर करना जरूरी है। दूसरी शर्त यह है कि जमानत पर छूट कर वह व्यक्ति खुद या किसी से कह के किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको इस केस की जानकारी है न तो धमकाएगा, न घूस देगा और न ही किसी तरह का ऐसा वादा करेगा कि जिससे वह व्यक्ति केस की जानकारी अदालत या पुलिस को बताने से पीछे हट जाए। ये शर्त, अदालत की जानकारी और उनकी परमिशन के बिना वह व्यक्ति भारत छोड़ेगा नहीं। आखिरी सवाल, क्या जमानत रद्द की जा सकती है? जी हाँ, अगर न्यायालय ने जमानत दी है तो बाद में न्यायालय जमानत को रद्द कर सकता है और पुलिस को यह निर्देश दे सकता है कि वे जाकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करें। लेकिन जहां पर इस तरह की जमानत पुलिस द्वारा दी गई है उस जमानत को कोर्ट रद्द नहीं कर सकता। भाई, मुझे तो जमानत के बारे में जानकर बहुत मजा आया। क्या होता है, कभी कभी जिंदगी में इस तरह के मोड़ आ जाते हैं जहां पर इस तरह की जानकारी काम आती है, इसीलिए जमानत के बारे में मैंने आपको बताना चाहा। उम्मीद रखती हूं कि आपको भी बहुत कुछ सीखने मिला। अगर आज आप हमारे साथ में जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इस तरह के बहुत सारे वीडियोस देखने मिलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास में इस तरह के कानूनी सवाल हैं तो ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में डालिए,
मैं कोशिश करूंगी कि उनके जवाब लेकर आपके पास में ज़रूर हाजिर हूँ। तब तक के लिए नमस्ते।